तो गाइस फाइनली 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 सलार मूवी की रिलीज डेट जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। ऑफिशियल तरीके से होमवाले फिल्म्स की तरफ से हमें 29 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। आई नो यार, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन गाइस मैं जब सलार मूवी की बात है, जब सलार मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात है, प्रभास की बात है ना गाइस, इतनी बड़ी खबर की बात है, तो गाइस सब कुछ भूलना पड़ जाता है और वीडियो बनाना तो जरूरी है यार। ओके, अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। ओके, तो गाइस सलार मूवी की रिलीज डेट पता चल चुका है, 22 दिसंबर 2023, मतलब 2023 में ही डार्लिंग प्रभास की सलार मूवी, मच एवेटेड मूवी, जिसका इंतजार हम ना जाने कब से कर रहे थे मेरे भाई, देखने को मिल जाएगा, लिटरली देखने को मिल जाएगा, बहुत जबरदस्त। तो क्रिसमस इस बार बहुत जबरदस्त होने वाली है। ओके, तो गाइस जो हम कह रहे थे ना, से साल नहीं सलार है, 2023 में सलार सलार जैसी फिल्म देखने को मिलेगा, डार्लिंग प्रभास की कमबैक होगा 2023 में ही, भाई ये सब कुछ होने वाला है। इसके लिए मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि 2023 में ही हमें सलार मूवी देखने को मिल जाएगा। रही बात डंकी की, तो गाइस डंकी वर्सेस सलार होने वाली है लिटरली। ओके, डंकी वर्सेस सलार होने वाली है। देखो सलार मूवी का रिलीज डेट जो है वो ऑफिशियल हो चुका है, ऑफिशियल तरीके से हमें 29 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। और जब तक ये देखने को, मतलब ये ऑफिशियल जब हो चुका है 22 दिसंबर को, ओके 22 दिसंबर को जब देखने को मिल जाएगा बोलकर के ऑफिशियल हो चुका है एक बार पोस्टपोन हो करके, तो गाइस ये चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे डंकी की, तो डंकी के बारे में देखो वो भी ऑफिशियल हो चुका है और शाहरुख खान खुद ही बता दिए थे वो जवान मूवी के सक्सेस मीट पे के फिल्म जो है हमें 22 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। तो यूं मानो कि दोनों फिल्म ऑफिशियल तरीके से हमारे पास एकदम से दस्तक दे देंगे, मतलब 22 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस में प्रभास वर्सेस शाहरुख डेफिनेटली ये होने वाली है। ओके, रही बात होमवाले फिल्म्स और शाहरुख, मतलब होमवाले फिल्म्स वर्सेस शाहरुख की फिल्म, भाई ये दूसरी बार हो रहा है, जो कि होमवाले फिल्म्स की KGF Part 1, ओके KGF Chapter 1 जो है उसके साथ भिड़ा था शाहरुख खान की जो फिल्म आया था जीरो, ओके वही क्रिसमस के टाइम पे ही 2018 में, और दोनों फिल्म का क्लैश हुआ था। और इस बार फिर से होमवाले फिल्म वर्सेस शाहरुख खान की फिल्म का क्लैश फिर से हमें देखने को मिलेगा, और इस बार सलार वर्सेस डंकी होने वाली है। ओके, तो गाइस बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये कि हमें 2023 में ही सलार मूवी को देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा बैड न्यूज भी ये है कि दो अच्छी अच्छी फिल्म जो है एक ही डेट पे आ रही है। देखते हैं आगे चल करके, सलार मूवी तो और कोई पोस्टपोन वगैरह नहीं होने वाला है, डंकी का देखते हैं क्या होगा, मेकर्स फिर बाद में सोचेंगे, और अगर 2024 तक लेके जाएंगे तो जाएंगे, क्या पता, लेकिन सलार और पीछे नहीं जाएगा क्योंकि एक बार जा चुका है और 29 सितंबर को वो ऑफिशियल तरीके से होमवाले फिल्म्स की तरफ से हमें 22 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगा बोल करके ऑफिशियल रिलीज डेट वो लोग मेंशन कर देंगे, तो भाई सलार मूवी और पीछे नहीं जाने वाला है, 2024 तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वही 2023 के दिसंबर 22 में देखने को मिल जाएगा। अगर डंकी मूवी की बात करें तो शायद वो बाद में पोस्टपोन हो भी सकता है, क्लैश नहीं करेंगे बोल करके सोचेंगे तो, क्योंकि दोनों के दोनों फिल्म हाई पोटेंशियल रखते हैं जबरदस्त तरीके का, मतलब कलेक्शन करने की, मतलब ये दोनों फिल्म कुछ ऐसा फिल्म है जो कि 1000 करोड़ अगर नहीं कमाएंगी तो दोनों फिल्म का इज्जत उतर जाएगा, ब्लॉकबस्टर भी हो जाएंगे लेकिन 1000 करोड़ की कलेक्शन करना बहुत जरूरी है ये दोनों फिल्म को। ओके, क्योंकि शाहरुख खान सर का जिस तरह का दो फिल्म आ चुकी है एक ही साल में और 2000 करोड़ का कलेक्शन बुक कर चुके हैं दोनों फिल्म में, ओके 1000 करोड़ का कलेक्शन दो फिल्म वो दे चुके हैं, तो डंकी मूवी के ऊपर तो और भी ज्यादा उम्मीद है, वो दंगल की एग्जांपल को लेकर के, मतलब ओवरसीज में और भी ज्यादा ये होगा बोल करके, डंकी बहुत बड़ा बहुत जबरदस्त कलेक्शन करेगा बोल करके सभी का उम्मीद है। ओके, तो सलार जैसी फिल्म के साथ अगर वो क्लैश कर देते हैं तो इफेक्ट तो होगा दोस्त, ओके दोनों फिल्म को प्रॉब्लम तो होगा, दोनों फिल्म को मतलब जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल थोड़ा बहुत तो मतलब दिखेगा, तो बाद में देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन सलार मूवी को लेकर के हम कंफर्म हो चुके हैं कि सलार मूवी जो है और पोस्टपोन नहीं होगा, पीछे नहीं जाएगा, 2024 तक नहीं जाएगा, जाएगा तो बाद में पता चलेगा, डंकी मूवी जाने की चांसेस हो सकता है, ओके हो सकता है, जाएगा तो वो जा सकता है लेकिन सलार नहीं जाएगा क्योंकि सलार एक बार सेप्टेम्बर से दिसंबर तक जा चुका है। ओके, देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना कंफर्म है कि सलार वर्सेस डंकी, प्रभास वर्सेस शाहरुख, होमवाले फिल्म वर्सेस शाहरुख की फिल्म, मतलब 22 दिसंबर को डंकी और सलार दोनों के दोनों फिल्म दस्तक देने आ रहे हैं, भाई 2023 में ही सलार मूवी देखने को मिल जाएगा, मतलब डार्लिंग प्रभास की कमबैक वाली जो सिलसिला है 2023 से ही शुरू हो जाएगा। ओके, आप कितना एक्साइटेड हो इस रिलीज डेट के लिए जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।